करने के लिए आपको UITAI.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद यहाँ आधार पीवीसी कार्ड पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर, वर्चुअल आईडी नंबर या फिर ईआईडी नंबर लिखना है और इसके नीचे सिक्योरिटी कोड लिखकर अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है और अगर नहीं है तो माई नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड पर टिक करके एंटर टीओटीपी पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आ जाएगा और उस ओटीपी को वेरीफाई करके जैसे ही आप सबमिट पर टैप करेंगे तो आपकी आधार डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएंगी। इनको चेक करके मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा और ₹50 की पेमेंट करके आप अपना ऑल न्यू पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर पाएंगे। पेमेंट कंप्लीट हो ट्रांजेक्शन रिसीप्ट आएगी, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जिससे कि आप आधार कार्ड की डिलीवरी को ट्रैक कर पाएंगे और आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी ये जो रिसीप्ट है काम आ सकती है। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको इसमें ये बताऊंगा कि आप कैसे नया आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जाकर गूगल पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है UITAI.gov.in, फिर आपको ये सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहीं पर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, अब घर बैठे ऑर्डर करें आधार पीवीसी कार्ड, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी, फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर में अपना 12-digit आधार नंबर डाल देना है और फिर सिक्योरिटी कोड एंटर कर देना है, जैसे कि यहाँ पे WVX79 ये आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है आधार कार्ड के साथ तो आपको ये माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है, या फिर अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको इसको टिक किए बिना सेंड ओटीपी पर जाना है। सेंड ओटीपी पर जाने के बाद आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको ₹50 पेमेंट कर देना है और फिर आपको अपने, जैसे यहाँ लिखा है कि आपको ₹50 पेमेंट करने के बाद ही आपको अपना आधार कार्ड आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। और अगर आपको उसको ट्रैक करना है तो उसके नीचे ही एक ऑप्शन दिया जाएगा कि चेक स्टेटस, तो उसके ऊपर आपको जाकर आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।